हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल टीच मी ऑफिशियल। दोस्तों, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर के हम सभी टॉपिक्स को करेंगे और उसके लिए मैंने आपके लिए नोट्स भी बनाया है और इस नोट्स में ही हम देखेंगे। पहला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी सब्सटेंस में कोई नई प्रॉपर्टी लगाते हैं और उसको एक न्यू सब्सटेंस में चेंज कर लेते हैं, तो जब आपने किसी भी सब्सटेंस को उसमें कुछ भी प्रॉपर्टी आप लगाएंगे और उसको एक नए फॉर्म में चेंज कर लेंगे, तो वही कहलाती है केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। सबसे पहले आपके पास एक मिल्क है, लेकिन आपने उसमें कुछ चेंजेस कराए, कुछ प्रॉपर्टीज़ लगाई, तो वो क्या हो गया? कर्ड में चेंज हो गया। अब जब वो कर्ड में चेंज हो चुका, इसका मतलब आपने एक नए सब्सटेंस को अचीव कर लिया, जो कि मिल्क से, जिसकी प्रॉपर्टी मिल्क से बिल्कुल अलग होती है। तो आप तब कह सकते हैं कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। केमिकल रिएक्शन के आप कुछ और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जो कि हमारी डेली लाइफ से जुड़े होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, या फिर फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। डाइजेशन ऑफ फूड मतलब फूड का डाइजेशन होना, ये एक केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। तो फूड का डाइजेशन इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। या आप कह सकते हैं रेस्पिरेशन, जो आप रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, तो उसमें भी आपका जो भी चेंजेस होता है वो केमिकल रिएक्शन कहलाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे पर जंग लगना आप बोल सकते हैं ये किसका एग्जांपल है, केमिकल रिएक्शन का। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन बर्निंग होता है, तो वो भी केमिकल रिएक्शन की वजह से। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ये भी आपको बता दिया गया, मिल्क का कर्ड में चेंज हो जाना कि किसकी वजह से होता है, द रीज़न ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब दोस्तों, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब जैसे अभी बताया गया, मिल्क का कर्ड की फॉर्म में चेंज होना एक केमिकल रिएक्शन है, लेकिन इसके टू पार्ट्स होते हैं। पहला, जब आपके पास कोई पहले आपके पास सब्सटेंस था, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। यानी केमिकल चेंजेस होने से पहले आपके पास जो भी सब्सटेंस है, आप बोल सकते हैं कि वो एक रिएक्टेंट है। बट आफ्टर चेंजिंग द केमिकल रिएक्शन, आपके पास जो भी न्यू सब्सटेंस आपको मिला, हम कह सकते हैं कि वो बन जाता है प्रोडक्ट्स। या एक केमिकल इक्वेशन से अगर मैं आपको बताऊं, सपोज दैट कार्बन प्लस ऑक्सीजन एक केमिकल चेंजेस कराते हैं और ये मिलकर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप कह सकते हैं चेंजेस से पहले, केमिकल चेंजेस से पहले जो भी आपके पास सब्सटेंस थे, हम कह सकते हैं कि वो एक रिएक्टेंट है। लेकिन जब आपने केमिकल चेंजेस कराया और आपको जो न्यू सब्सटेंस मिला, तो ये कहलाया जाएगा प्रोडक्ट। सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। केमिकल रिएक्शन कराने के लिए आपने जो पार्ट लिया, जिसमें आप केमिकल चेंजेस करा रहे हैं, वो रिएक्टेंट पार्ट है। बट द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। लेकिन केमिकल रिएक्शन कराने के बाद, जिसमें केमिकल रिएक्शन में वो चेंज हो चुका है आपका सब्सटेंस, जो न्यू सब्सटेंस आपको मिला, तो वो क्या कहलाया जाएगा, प्रोडक्ट। एक बार फिर से इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। आपके पास है जिंक और आपके पास है सल्फ्यूरिक एसिड। आपने ये दोनों लिए, इसमें आप केमिकल चेंज कराना चाहते हैं। अभी आप केमिकल चेंज इसमें करा ही रहे हैं, अभी आप कह सकते हैं कि ये एक रिएक्टेंट है। बट जब आपने इसमें केमिकल चेंजेस करा चुके हो, केमिकल चेंज कराने के बाद जो आपको नया न्यू सब्सटेंस मिला, जिसका नाम है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, तो ये जो न्यू सब्सटेंस आपके पास बनकर रेडी हुआ, ये जो न्यू सब्सटेंस आपके पास आया, हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, प्रोडक्ट है। फ्रेंड्स, केमिकल रिएक्शन की कंडीशन क्या क्या होती है, इसकी कुछ कंडीशंस होती है। नंबर वन, चेंज इन स्टेट, यानी उसका स्टेट चेंज होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास कोई भी जो रिएक्टेंट पार्ट्स है, सॉलिड में आपके पास है, तो वो गैस में चेंज होना चाहिए, या फिर लिक्विड में चेंज हो जाना चाहिए, लिक्विड से गैस में चेंज हो जाए, या गैस से सॉलिड में चेंज हो जाए,
उसका स्टेट चेंज हो जाना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि चेंज इन कलर, यानी उसका कलर भी चेंज होना चाहिए, या फिर चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होना चाहिए। टेम्परेचर पहले कम था फिर बढ़ चुका है, या पहले बढ़ा हुआ था बाद में वो लेस हो चुका है। एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवोल्यूशन भी होना चाहिए, गैस में कन्वर्ट होनी चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस हैं एक केमिकल रिएक्शन की। किसी भी केमिकल को आप रिएक्ट कराते हैं तो आफ्टर रिएक्शन उनकी जो कुछ कंडीशंस है कि वो चेंज होने चाहिए स्टेट में, या फिर उनका कलर चेंज होना चाहिए, टेम्परेचर उनका बदल जाना चाहिए, एंड द इवोल्यूशन ऑफ गैस।